हेलो दोस्तों, एनबीटी देख रहे हैं आप और आज हम आपको अजवाइन की पत्तियों से भज्जी बनाने की आसान सी रेसिपी दिखाने जा रहे हैं। इसे उवा भज्जी या फिर दुंड पत्रे भी कहा जाता है। ये डिश साउथ इंडिया में बहुत फेमस है। दोस्तों, अजवाइन अपनी औषधीय गुणों के बारे में जानी जाती है। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, साथ ही साथ इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। अगर आपका कुछ फ्राइड खाने का मन है जो हेल्दी भी हो, तो इस रेसिपी को ट्राई किया जा सकता है। तो चलिए सीखते हैं कि इसे बनाना कैसे है। एक बाउल में आधी कटोरी बेसन ले। अब इसमें आधा कप चावल का आटा मिलाएं। फिर इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर, एक चम्मच अजवाइन, टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक और एक चुटकी हींग मिलाएं। अब इसमें एक कप तेल डालें। ऐसा करने से भजियां नरम बनेगी। अब इसमें पानी डालकर थिक पेस्ट बना लें। भजी का बैटर तैयार है, इसे अलग रख दें। अब एक पैन में तेल गर्म करें। अजवाइन के कुछ पत्ते लेकर उन्हें धोकर रख लें। अब अजवाइन का एक एक पत्ता करके बैटर में डिप करें और उसे डीप फ्राई कर लें। ध्यान रखें कि एक बार तेल गर्म हो जाए तो उसके बाद गैस की आंच धीमी कर दें। गोल्डन ब्राउन होने तक इन भजियों को फ्राई कर लें। आप शाम की चाय का स्वाद बढ़ाने के लिए इन्हें बना सकते हैं। अगर घर आ रहे मेहमानों को कुछ हटकर सर्व करना है तो इसे बनाना एक अच्छा आइडिया रहेगा। बच्चों को भी पोटैटो फ्राइज खिलाने की बजाय इसे सर्व करना एक हेल्दी ऑप्शन रहेगा। फिर इन्हें बाहर निकाल लें। एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए आप टिश्यू पेपर की मदद ले सकते हैं। इसे केचप या हरी चटनी के साथ सर्व करें। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक का बटन दबाइए, इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही दूसरी डिफरेंट रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब करें NBT। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूजर नेम है NBT हिंदी न्यूज़।